गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। तो पहले हम लोगों ने सेल साइकिल सेल डिवीजन में इंटरफेस की बात हम लोगों ने डिस्कस की थी, और इसके बाद हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस की बात, कि मियोसिस क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे मियोसिस से रिलेटेड उसकी बात आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर की बात। ठीक है, देखिए यदि हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस किस प्रकार का फेज होता है। देखिए एम फेज की बात हम लोगों ने डिस्कस की थी, एम फेज में इनडायरेक्ट डिवीजन था, और इनडायरेक्ट डिवीजन में हम लोग माइटोसिस की बात डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग इसकी बात डिस्कस करेंगे, हम लोगों को डिस्कस करना है मियोसिस की बात। ठीक है, तो अब देखो यदि हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस क्या होता है। मियोसिस एक प्रकार का डबल डिवीजन फेज होता है, मतलब इसमें सेल जो होते हैं दो बार डिवाइड करते हैं। एक बार जो डिवाइड करता है उसे मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, और दूसरी बार जो डिवाइड करता है उसे मियोसिस सेकंड कहते हैं। मतलब एक ही मियोसिस डिवीजन में दो अलग अलग मियोटिक डिवीजन हैं। मतलब ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि मियोसिस वन मियोसिस टू का मतलब दो अलग अलग मियोसिस, नहीं ऐसा नहीं है। मियोसिस का मतलब ये होता है कि एक डिवीजन, और मियोसिस के अंदर दो अलग अलग डिवीजन है। तो मियोसिस वन एंड मियोसिस टू जो होते हैं एक ही मियोसिस के अंदर दो अलग अलग डिवीजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जब हम मियोसिस की बात करें तो माइटोसिस मियोसिस से कैसे अंतर। माइटोसिस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, माइटोसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक सेल डिवाइड करेंगे और कितने सेल्स बनाते हैं, एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाते हैं। जबकि मियोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर के चार डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, चार डॉटर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, मियोसिस में चार डॉटर सेल्स होंगे, माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स होते हैं। और देखिए माइटोसिस के दोनों डॉटर सेल्स जो होते हैं वो अपने पेरेंटल सेल के जैसे इन और रिस्पेक्ट होते हैं, इसीलिए उनको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जबकि मियोसिस में ऐसी बातें नहीं होती है, मियोसिस में दो अलग अलग डिवीजन हैं। ठीक है, लेकिन मियोसिस में जो एक डिवीजन होते हैं मियोसिस वन उसे कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर की संख्या कम हो जाती है, हाफ हो जाती है। और मियोसिस सेकेंड जो होते हैं माइटोसिस की तरह इक्वेशनल। ठीक है, तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस की बात डिस्कस की, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मियोसिस डबल डिवीजन फेज होते हैं, मियोसिस के दो डिवीजन होते हैं, और मियोसिस में कौन कौन सी बातें होती है। मियोसिस में एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, चार सेल्स बनते हैं। ठीक है, मियोसिस में एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, चार सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मियोसिस जो है, मियोसिस वन में देखिए कौन कौन सी बातें होगी, क्योंकि तो मियोसिस वन जो है ये किसके सब टाइप है, मियोसिस जो होते हैं मियोसिस के ही एक मियोसिस वन होते हैं, दूसरे मियोसिस टू होते हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मियोसिस वन की बात में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मियोसिस वन में भी कई प्रकार के फेजेस होते हैं माइटोसिस के, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, ठीक है, और टेलोफेज वन, एनाफेज वन और टेलोफेज वन, इसके बाद साइटोकाइनेसिस। अब देखो कि मियोसिस वन में सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेज की बात। ठीक है, और देखो प्रोफेज में हम लोग प्रोफेज वन की बात कर रहे हैं, और प्रोफेज वन जो होता है ये मियोसिस वन का सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का फेज होता है, सबसे लंबे फेज होंगे वो प्रोफेज वन होते हैं। प्रोफेज वन में देखिए इसमें क्या है,
कई पांच फेजेस होते हैं, लेफ्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायगनेसिस, ये पांच फेजेस होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि लंबे ड्यूरेशन के होते हैं, स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए पांच फेजेस में मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को डिवाइड किया गया। अब देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहला फेज लेफ्टोटीन। लेफ्टोटीन में देखो यहां से शब्द से क्लियर होता है लेफ्टोस का मतलब क्या होता है, धागा, थ्रेड। लेफ्टोटीन में लेफ्टोस का मतलब होता है थ्रेड, ठीक है। अब देखो टीन एक प्रोसेस होते हैं, देखिए लेफ्टोटीन का मतलब होता है कि इसमें क्रोमोसोम तो अपीयर होंगे लेकिन क्रोमोसोम बिल्कुल धागे की तरह, थ्रेड की तरह, ठीक है। तो देखिए इसमें आप देख लीजिए इसके अंदर जो सेल दिखाई दे रहा है, देखिए ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस आपको दिख रहा है और न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल धागे की तरह होंगे क्रोमोसोम, होंगे इस प्रकार से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे ढंग से दिख रहा है, देखिए इसको मैंने लार्ज करके इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना अच्छे ढंग से दिखाया गया है कि देखिए प्रोफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं कंटेंस स्टार्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि क्रोमैटिन स्टार्ट होता है, क्रोमैटिन तो पहले स्टार्ट हो चुके हैं कंडेंसेशन, तभी तो क्रोमोसोम दिखा। अब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होगा, मतलब ये जो धागे जो हैं वो अब मोटे हो जाएंगे और जो पतले हैं वो छोटे होंगे, क्योंकि कंडेंसेशन में एक्चुअली क्या होता है क्वाइल। अब देखो कि ये और ये दोनों जो है ये क्या है, एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी है, और जब एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्रोमोसोम नंबर वन मान लीजिए इसकी एक कॉपी ये है और क्रोमोसोम नंबर वन की ही दूसरी कॉपी है, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होती है, दो कॉपी होती है, और वो दोनों कॉपी जो होते हैं आपस में इन ऑल रिस्पेक्ट एक जैसे होते हैं, और जब आपस में एक जैसे होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट तो उसे होमोलोगस कहते हैं। ये दोनों जो होते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, होमोलोगस कहते हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इस फेज में, प्रोफेज में तो हमने डिस्कस किया था कि धागे की तरह थे, लंबे थे, पतले थे, अब क्रोमोसोम का फर्दर कंडेंसेशन हुआ और कंडेंसेशन होने के बाद अब जाइगोटीन में देखिए अब क्या होगा, तो क्रोमोसोम इसमें कंपैरेटिवली थिक हो चुके हैं। जाइगोटीन देखिए जैसे जाइगोट होता है ना, जाइगोट, जाइगोट में क्या करते हैं दो गैमेट फ्यूज हो गए जाइगोट बनाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो क्रोमोसोम अटैच हो, वो दोनों क्रोमोसोम क्या है, क्या एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी है, क्या अलग अलग क्रोमोसोम की कॉपी है, नहीं, एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है और इसी तरह का दूसरा पेन मेरे पास है, मतलब इसी पेन का ये दूसरा कॉपी है, तो ये दोनों क्या होंगे, होमोलोगस कॉपी हो जाएंगे या होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे, यदि मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये हो और दूसरा क्रोमोसोम ये हो, तो क्रोमोसोम नंबर वन की दूसरी कॉपी होती है तो ये दोनों क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम देखिए ये दोनों अटैच होते हैं, देखिए ये मैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम को मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, अटैच हो गए, ठीक है। और अटैच होने के लिए इसे किसी चीज को दो पेन को मैं अटैच, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता, फेविक्विक की आवश्यकता होगी या गम की आवश्यकता होगी या फेविकॉल की आवश्यकता, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक केमिकल की आवश्यकता होती है जिसको कहते हैं SNC कहते हैं। SNC का मतलब होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये RNA एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। देखिए थोड़ा सा ये रिविजन क्लास थे इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जब नॉर्मल क्लासेस होगी तो मैं उसके हिसाब से। SNC का मतलब RNA प्लस प्रोटीन। अब देखो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच हुए, अब इस अटैच वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, देखो इस अटैच स्ट्रक्चर को अब हम लोग कहते हैं बाइवेलेंट कहते हैं, देखो अब इनको अटैच स्ट्रक्चर क्या कहेंगे हम लोग, बाइवेलेंट कहते हैं, ठीक है, बाइवेलेंट कहते हैं। प्रोसेस को हम लोग देखिए जो अटैच हुए हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, अटैच होने वाले प्रोसेस को कहते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्सिस कहते हैं। अब देखो पैकेजिंग में क्या होगा, पैकेजिंग में क्या होंगे, ये जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन अभी भी चल रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम
क्वाइल्ड होते चले जा रहे हैं, मतलब इसके अंदर जो क्रोमेटिन है डीएनए उसका क्वाइलिंग होते चला जा रहा है। अब होते जाएंगे इसका मतलब इसका कंडेंसेशन होगा, और यदि कंडेंसेशन होगा तो अब एक क्रोमोजोम की दोनों क्रोमेटिड आ गए। तो आप कहोगे सर ये क्रोमोजोम की क्रोमेटिड आई कहाँ से, तो आप याद कीजिए कि एस फेज में क्या हुआ था कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, एक क्रोमोजोम में दो डीएनए। तो जब एक क्रोमोजोम में दो डीएनए होंगे तो दोनों डीएनए किसके फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिड के फॉर्म में, क्योंकि डीएनए में प्रोटीन भी अटैच होते हैं इसलिए वो क्रोमेटिड के फॉर्म। तो अब देखो कि लैप्टोटीन में भी था, जाइगोटीन में भी था, लेकिन अपियर किस में होंगे, पैकेटीन में। तो पैकेटीन में देखिए अपियर होंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये ब्लू वाले जो हैं ये दो दिखाई दे रहे हैं और रेड वाले भी दो दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हर एक क्रोमोजोम के चार टोटल जो क्रोमोजोम है हर एक क्रोमोजोम की दोनों क्रोमेटिड अपियर हैं। तो यहाँ पे इस जो मैंने कॉम्बिनेशन की बात की, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो क्रोमोजोम अटैच हैं, इसलिए दो क्रोमोजोम की ये चार क्रोमेटिड्स टोटल हो गए। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राड कहते हैं। देखो जनरली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं बायवेलेंट का मतलब दो होमोलोगस क्रोमोजोम अटैच होंगे और टेट्राड का मतलब होता है दो बायवेलेंट जब अटैच होंगे तब टेट्राड कहलाता है। नॉर्मली बच्चे ये सोचते हैं जबकि ऐसा नहीं है, जो बायवेलेंट है वही टेट्राड में कन्वर्ट होगा। 10 बायवेलेंट होंगे 10 टेट्राड होंगे, ठीक है। बताया आपको इसका रीजन क्या होता है कि बायवेलेंट कंडीशन में भी दो एक क्रोमोजोम की दो क्रोमेटिड है, लेकिन ये दोनों अपियर नहीं हो रहे, ये दोनों अपियर होंगे पैकेटिन वाले स्टेज में, इसीलिए आपको पैकेटिन वाले स्टेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और देखिए, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है तो मैं आपको समझाने के लिए इधर मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्रोमोजोम ये है और इसकी जो है ये क्रोमेटिड है, एक क्रोमोजोम की क्रोमेटिड ये हमारे पास है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि दूसरे कलर से दिखाने का मैं आपको प्रयास कर, ठीक है, दूसरे कलर से। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक और क्रोमोजोम है, देखिए ये एक और क्रोमोजोम, ठीक है, एक और क्रोमोजोम, तो ये एक और क्रोमोजोम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि इसका ये आर्म और इसका ये आर्म दोनों क्या होंगे, इसका कट करके इसमें चले जाते हैं और इसका कट करके इसमें चले जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, देखिए इसके कारण कौन सी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है वो देखिए। इसके बाद जो आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी, देखिए इसका ये ऐसे मान लीजिए इधर वाले पोर्शन, ठीक है, और इसका देखिए मतलब ये क्रोमोसोम की बात हमने डिस्कस की, अब देखिए कि इसमें देखिए एक क्रोमोसोम यहाँ पे है और इसका कुछ पार्ट मैं अब दूसरा कलर ले रहा हूँ, और दूसरा कलर यदि मैं लूंगा तो बातें और भी क्लियर करके समझ लें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले जो पार्ट हैं ये कट करके दूसरे कलर मेरे पास अभी नहीं आ गए। तो अब देखिए कि ये भी एक क्रोमोसोम है। अब देखो इसका कुछ पार्ट कट करके इसमें चला गया, देखिए इसका भी कुछ पार्ट कट करके इसमें चला गया, ठीक है, दोनों का कुछ कुछ पार्ट कट करके जा चुका है। तो अब देखिए अब क्या होगा इसमें, इधर देखिए ये रेड वाले इधर चले गए और रेड वाले इधर चले, इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों का क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। देखिए इधर ध्यान से देखिए इसका क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और क्रॉसिंग ओवर यदि होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक का पार्ट दूसरे में, दूसरे का पार्ट पहले में एक्सचेंज होकर के आता है और इसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो देखिए पैकेटिन में क्या क्या दिखाई देगा आपको, एक तो बायवेलेंट जो है वो टेट्राड में कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरी बात यह होती है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है,
देखिए क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है, तो ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर। तो वन देखिए यहाँ पे ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। तो अब देखिए ये किसके बीच में हो रहा है, वन और टू क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स। टू और थ्री क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो दो अलग अलग क्रोमोसोम के मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के बीच में क्रोमोसोम का पार्ट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, इसी को क्रॉसिंग ओवर क्या है। तो पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। अब देखिए डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, डिप्लोटीन स्टेज में ये क्रॉसिंग ओवर दिखेगा, लेकिन अब ये जो एसएनटी जुड़ा था साइगोटीन में उसका डिजॉल्व होना शुरू है। तो जैसे ही डिजॉल्व, जैसे मान लीजिए इसके बीच में क्या है कि अभी एसएनटी है, तो एसएनटी डिजॉल्व हो जाएंगे, एसएनटी डिजॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, एसएनटी जैसे ही डिजॉल्व होंगे इसके बाद ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होना चाहेंगे, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीटली अलग नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको अटैच दिखेगा, और जिस पॉइंट पे ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच होते हैं उसे काइजमाटा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए काइजमाटा कहाँ पे है, ये है काइजमाटा, और इसके बाद देखिए इसको कहते हैं हम लोग काइजमाटा कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि काइजमाटा कहाँ पे दिखता है, तो आपके आंसर क्या होने चाहिए, काइजमाटा दिखता है डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सेंट्रियोल थे वो सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर मूव किया था, यहाँ पे देखिए इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा जाइगोटीन में, पैकेटीन में और बढ़ चुका है, डिप्लोटीन में देखिए यहाँ तक, और डाइकिनेसिस में अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, एस्ट्रोनिज वगैरह का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है, वो हालांकि लेप्टोटीन में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि काइजमाटा से ये दोनों अटैच थे, मतलब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जहाँ पे अटैच थे, तो काइजमाटा हमने कहा था पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर कहा था। अब देखिए ये जो काइजमाटा है ये धीरे 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 पोल की ओर शिफ्ट करते चले, ध्यान से देखिए पहले यहाँ पे काइजमाटा है, अब धीरे धीरे ये पोल की ओर शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो काइजमाटा जब शिफ्ट होंगे पोल की ओर, मतलब पहले ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर, अब धीरे धीरे शिफ्ट होकर के ये कहाँ पे जा रहे हैं, पोल की ओर जा रहे हैं। अब इसको क्या कहेंगे, टर्मिनलाइजेशन कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो टर्मिनलाइजेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, डाइगेनेसिस में, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे देखिए, इसको देखिए काइजमाटा कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इसको देखिए ध्यान से काइजमाटा कहाँ, और इसमें देखिए काइजमाटा कहाँ पे है, टर्मिनल की ओर शिफ्ट कर चुका है, इसमें देखिए काइजमाटा कहाँ पे, टर्मिनल की ओर शिफ्ट कर चुका है, मतलब केवल एंड टू एंड अटैच है, इसी को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से देखिए कि ये न्यूक्लियर एनवेलप है और यही न्यूक्लियर एनवेलप अब डिसअपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस प्रकार की बातें हमने टेलोफेज में डिस्कस की थी बिल्कुल उसी तरह की बातें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस क्या होंगे, न्यूक्लियोलस देखिए क्या होंगे, ये हो जाएंगे डिसअपीयर, ये अब नहीं रहे, ये हो गए डिसअपीयर्ड, ये डिसअपीयर्ड हो जाएगा, ठीक है, अब नहीं दिखाएंगे। तो नहीं दिखाएंगे तो प्रोफेज फर्स्ट की बात समाप्त हो चुकी है, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट समाप्त हो चुके हैं। अब देखो कि प्रोफेज फर्स्ट की बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये सारी कहानी हमने जो अभी देखे, इंटरफेस की बात यहाँ पे है, इंटरफेस के बाद देखिए अब क्या यहाँ पे हुआ कि ये है प्रोफेज फर्स्ट, देखो बच्चों ये है प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। अब प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ वो मैंने बताया, इसका मेन काम था यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, काइजमाटा का फॉर्मेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, प्रोफेज फर्स्ट का मेन काम है क्रॉसिंग ओवर होना। अब देखो क्या होगा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो जुड़े थे जाइगोटीन में अभी भी वो अटैच है, ठीक है। अब अटैच है तो ये कहाँ पे अटैच है, देखिए ये अब होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे मेटाफेस वन में, और देखिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, और देखिए होमोलोगस जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम की बात मैंने की, इसके बाद देखिए इसके दूसरे जो हैं, दूसरे जो इसमें हैं देखो ये वाले हैं, ये वाले हैं, अभी भी मान लीजिए यहाँ पर टर्मिनल पर अटैच है, टर्मिनल पर अटैच है, ठीक है। तो जैसे ही ये टर्मिनल पे अटैच है यहाँ पे,
तो देखिए इधर भी देखिए, इसके बीच में यहाँ पर अटैचमेंट है, इसके बीच में अटैचमेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो है, ये देखिए ये क्या होगा कि ये अब स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे, और कितने स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा और जितने भी क्रोमोसोम है सबको इक्विटोरियल प्लेट बनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए सेल है, तो ये क्या होगा, इसका इक्वेटर है, ठीक है, बीचों बीच देखिए इक्वेटर है, इक्वेटोरियल प्लेट बनानी चाहिए। लेकिन अब देखिए जितने भी क्रोमोसोम हैं उनके सेंट्रोमियर कितने प्लेट बनेंगे, तो देखो एक तो सेंट्रोमियर यहाँ पे प्लेट हो गया, दूसरा सेंट्रोमियर यहाँ पे अरेंज है, इसका मतलब ये दो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो, दो मेटाफेजिक प्लेट पे क्या होंगे, ये अरेंज हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये बातें हमने डिस्कस की मेटाफेज पास्ट। मेटाफेज पास्ट का मेन काम होता है कि स्पिंडल फाइबर की हेल्प से ये कहाँ पे अरेंज होते हैं, ये इक्विटोरियल प्लेट पे अरेंज, ठीक है, दो मेटाफेजिक प्लेट का यहाँ पे क्या होता है फॉर्मेशन। अब देखिए एनाफेज, एनाफेज वन में देखिए क्या होता है, एनाफेज वन में क्रोमोजोम जो जाइगोटिन में अटैच थे वो होमोलोगस क्रोमोजोम एनाफेज फर्स्ट में सेपरेट, तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, देखिए ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे एनाफेज फर्स्ट में, देखिए अलग हो गए, देख रहे हो आप, ये क्रोमोजोम अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि कौन सी बातें होती है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, यहाँ पे बातें होती है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोजोम, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है, ये बातें कहाँ पे होती है, एनाफेज फर्स्ट। अब देखो सेपरेशन हो चुका है, पहले हमने चार क्रोमोजोम से स्टार्ट किया था, तो दो तो इधर की ओर जा रहे हैं, दो इस पोल की ओर जा रहे हैं और दो इस पोल की ओर जा रहे हैं, तो फाइनली हमारे पास कितने बचे हैं, दो, देखिए दो इस पोल की ओर, दो इस पोल की ओर, चार में से दो अलग हो गए हैं, दो अलग हो गए हैं। अब देखो ये टेलोफेज में क्या होता है, वही बातें जो हमने टेलोफेज फर्स्ट में, वही बातें होगी जो बातें हमने टेलोफेज माइटोसिस के टेलोफेज में डिस्कस किया था, न्यूक्लियन वेलप, न्यूक्लियस जो डिसअपीयर हुए थे वो रीअपीयर हो जाएंगे, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात होगी इसमें न्यूक्लियन वेलप, जैसे अब क्या हो गया स्पिंडल फाइबर का इसमें डिजोल्यूशन हो जाता है, यदि हम एनिमल सेल की बात करें, प्लांट सेल में हालांकि क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन कम्प्लीटली नहीं होता है, थोड़े से बच जाते हैं, इसको फैगोप्लास्ट है, जिस पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो टेलोफेज फर्स्ट देखिए ये है, और इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन हुआ है, क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन हुआ है, ये भी क्लीवेज फरो हैं, इधर भी क्लीवेज फरो हैं, तो फाइनली जो है हमारे पास क्या होंगे कि अब क्लीवेज फरो जब मूव करेगा सेंटर की ओर, जिसके कारण क्या होंगे कि दो सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए हमारे पास एक सेल ये है, दूसरे सेल ये है। साइटोकाइनेसिस के बाद अब क्या होगा कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मियोसिस सेकेंड में जाने से पहले अब सेल क्या करता है वो देखिए, ये चले जाएंगे इंटरकाइनेसिस में, मतलब देखो ये है मियोसिस सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक मियोसिस सेकेंड, ठीक है, लेकिन ये जो है जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा अब सेल किस में चले जाएंगे, इंटरकाइनेसिस में, इंट्रामियोटिक इंटरफेज कहते हैं या फिर इंटरकाइनेसिस, ठीक है। देखिए जब ये इंट्रामियोटिक इंटरफेज या फिर इंटरकाइनेसिस में जाएंगे तो उस स्थिति में देखिए इनका क्या होगा, देखिए जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स का डबलिंग किया गया, मतलब डबल किया गया, कौन से फेज में इसको डबल किया गया था, तो इसको डबल किया गया था इंटरफेज में, आप याद कीजिए जिसमें G1S G2 था, उसके बाद जो स्टार्ट हुआ था मियोसिस फर्स्ट, और उस मियोसिस फर्स्ट के बाद होंगे इंटरफेज, तो पहले वाले जो इंटरफेज हैं उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन हुआ था उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो फर्दर डिवीजन स्टार्ट करने से पहले क्या करना होगा कि अब उन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को फिर से डबल करने होंगे, तो उन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को यदि हम फिर से डबल करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा कि फिर से उन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डबल करना, देखिए इंटरकाइनेसिस,
इसमें इंटरगेनेसिस में देखिए क्या होगा, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनिक, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनिक। लेकिन याद रखना है कि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है, इसकी क्यों आवश्यकता नहीं है, ये तो होंगे लेकिन ये वाले नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है। देखिए अभी भी एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स। अब देखो प्रोफेज सेकेंड होगा, उसी तरह की बात, सेपरेट हो जाएंगे प्रोफेज की तरह बिल्कुल। मेटाफेज सेकेंड में देखिए अब दो सेल हैं, इसमें क्रोमोसोम देखिए, यहाँ पे एक क्रोमोसोम देखिए ये है, दूसरे क्रोमोसोम देखिए हर एक सेल, इसी तरह से इसमें ये क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम, तो ये क्या होंगे, एक मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होंगे, क्योंकि इनके सेंट्रोमियर जो है एक ही मेटाफेजिक प्लेट पे है, ठीक है। अब देखो इसके बाद एनाफेज सेकंड में क्या होगा, जिस प्रकार की बातें माइटोसिस के एनाफेज में हुआ हुई थी उसी तरह की बातें होगी। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए क्या देखने को, यहाँ पे होंगे प्लेटिंग एट सेंट्रोमियर, प्लेटिंग, प्लेटिंग एट एट सेंट्रोमियर, ठीक है। और जैसे सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे इसके बाद क्या होंगे, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, क्योंकि अभी भी जुड़े थे, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। ये बातें आपको एनाफेज सेकंड, देखो कंफ्यूज मत होना, एनाफेज फर्स्ट में सेपरेशन नहीं हुआ था क्रोमैटिड्स का, वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो अटैच थे वो डिटैच हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कि एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड्स जो हैं वो डिटैच हो रहे हैं, तो दोनों में यह ध्यान रखना है। इसके बाद देखो फिर क्या होगा, टेलोफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड में क्या होंगे कि ये जो डिटैच हुए थे एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स, अब वो कहाँ पे चले जाएंगे, सेपरेट होकर के पूरी फूल्स की ओर चले जाएंगे, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था एनाफेज में, लेकिन टेलोफेज में क्या होंगे कि ये अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं। अपोजिट पोल्स पे मतलब नाम से क्लियर होता है, टर्मिनल, टेलोफेज मतलब ये अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए क्या होगा कि अब इसमें यहाँ पे क्लीवेज पोरों का फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज पोरों का फॉर्मेशन होगा, ये इसके बाद साइटोकाइनेसिस होंगे और साइटिक, इसके बाद देखिए टोटल हमारे पास चार सेल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना चार सेल्स। तो इक्वेशनल डिवीजन, ये जो मियोसिस सेकंड है बिल्कुल माइटोसिस की तरह इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस फर्स्ट जो होते हैं वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात डिस्कस, देखिए ये एग्जाम मैपिंग सीरीज है, इसमें थोड़ा सा लेक्चर फास्ट है, जो जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे क्वेश्चंस पूछने की संभावना अधिक रहती है, वो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको कवर करूँगा, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड जो है, पेस जो है थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको किसी पॉइंट में कंफ्यूजन लगता है तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिए, मुझे चैट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे नए टॉपिक की बात, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मियोसिस का सिग्निफिकेंस की बात है, मियोसिस क्यों है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, ह्यूमन है, तो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है तो उसके अंदर गैमिट बनाना है, और गैमिट ये हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि गैमिट क्या होता है, एन होता है, टू एन से एन करना है, उसके लिए कौन सा डिवीजन होगा, तो इसके लिए मियोसिस होगा, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ है, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन। आप याद कीजिए कि माइटोसिस में क्या बताया था कि ऑर्गेनिज्म यदि हैप्लॉइड है तो उसमें गैमीट बनाने के लिए माइटोसिस, और ऑर्गेनिज्म यदि डिप्लॉइड है तो इसमें गैमीट बनाने के लिए क्या होता है, मियोसिस। ये दो बातें आपको
बहुत अच्छे ढंग से समझ लाना चाहिए। इसके बाद देखिए क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो मेंटेन होता है। अब देखिए एक ही स्पीशीज ह्यूमन की बात, तो ह्यूमन के जितने भी इंडिविजुअल होंगे उसमें कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। चाहे वो आपके दादाजी हो या आपके पिताजी हो, आप हो या फिर आपके आने वाले जनरेशन हो, सब में ये हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम। ये कैसे संभव है? ये संभव है मियोसिस के कारण। आप होगे कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके ये दादाजी हैं, ठीक है, आपके ग्रैंडफादर, इसके बाद ये जो है वो आपकी ग्रैंडमदर, तो इसमें यदि गैमीट ट्वेन ट्वेन होता, गैमीट भी ऐसे ही आ जाते हैं बिना मियोसिस होते तो ट्वेन ट्वेन होते, इसके बाद ये हो जाते हैं 4n, आपके पिताजी में डबल क्रोमोसोम हो जाते, 46 नहीं होते 72 हो जाते, ठीक है, जबकि यहाँ पे 72 नहीं होंगे 46 ही है। ये कैसे संभव हो पाया? ये तभी संभव होगा कि यहाँ पे मियोसिस हुआ हो, ठीक है। और मियोसिस यदि हुआ तो इसका मतलब ये है, देखिए मियोसिस यदि हुआ तो इसका मतलब क्या है वो देखिए कि ये हो गए, ये क्या हो गए मुझे बताइए, इसका मतलब ये हट चुका है, ये एन एन हो गया दोनों में, तो 4n नहीं, 4n के बदले क्या हो जाएंगे 2n हो जाएंगे। ये कैसे संभव है? मियोसिस के कारण ये संभव। तो कहते हैं ना कि एक स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उन सब में क्रोमोसोम नंबर एक जैसा होता है, ये मियोसिस के कारण ही संभव। इसके बाद एक क्रॉसिंग ओवर होते हैं। क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होने से होता है कि नए ट्रेट का एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज यदि न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे, ट्रेट का एक्सचेंज होगा, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे तो उसके कारण वेरिएशन होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे होता है, जैसे सोचिए कि यदि इस क्रोमोसोम की बात करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए और स्मॉल ए वाले हैं, ठीक है, और यहाँ भी एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे कैपिटल ए, ठीक है, और यहाँ भी क्या है कैपिटल ए वाले हैं, ऐसे स्थिति है, और यहाँ पे देखिए स्मॉल बी और कैपिटल बी कैपिटल बी। ये मैं समझाने के लिए बता, चिंता मत करना। अब देखो यही दो कॉम्बिनेशन आपके पास, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होते हैं तो उसमें देखिए फाइनली देखिए आपके पास जो होगा एक कॉम्बिनेशन तो आपके पास ये वाले होंगे, दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास जो होंगे ये वाले होंगे, तीसरे कॉम्बिनेशन आपके पास ये वाले होंगे, और चौथे कॉम्बिनेशन आपके पास जो होंगे वो ये वाले होंगे, ठीक है। मतलब समझाने के लिए मैंने बताया, देखो यहाँ पे यही कॉम्बिनेशन, ये दोनों पेरेंटल है, देखो यहाँ भी पेरेंटल है और यहाँ भी पेरेंटल, लेकिन ये दो नए कॉम्बिनेशन, ये संभव किसके कारण से है? क्रॉसिंग ओवर कारण से है, ठीक है, समझ वाली बात नहीं है। यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं होते तो फिर स्मॉल ए बी के साथ होता, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होते तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसलिए कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी है और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी है, ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर कारण। अब देखो म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन होंगे, म्योटिक डिवीजन में इरेगुलरिटी कारण म्यूटेशन होता है। कैसे? आपको बताया था, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम अटैच हुए थे, यदि एनाफेज फर्स्ट में यदि होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच डिटैच नहीं होंगे, जिसको हम लोग नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक ही पोल की ओर चले, ठीक है, डिटैच है तभी एक पोल, तब डिटैच यदि होंगे तो एक क्रोमोसोम एक पोल की ओर, दूसरे क्रोमोसोम दूसरे पोल की ओर चले जाते हैं, लेकिन जब ये अटैच होते हैं तो दोनों क्रोमोसोम एक ही पोल की ओर चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि एक पोल पे एक क्रोमोसोम की कमी आ जाएगी और दूसरे पोल की ओर एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाएगी, ठीक है। इसके कारण एन्यूप्लॉयडी होता है। एन्यूप्लॉयडी का मतलब यदि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो वैसे स्थिति में एक ऑर्गेनिज्म के पास या एक सेल के पास 45 हो जाएंगे, दूसरे के पास 47। इसी को कहते हैं इरेगुलरिटी, यदि मियोसिस में होंगे तो प्रॉब्लम, ठीक है, और इसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन कभी कभी हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, लेकिन जनरली हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी स्पीशिएशन होगा, स्पीशीज बनेंगे, तो उसमें म्यूटेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है, मियोसिस की पूरी बातें हम लोगों ने डिस्कस। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की बात। तो पहला क्वेश्चन, द
रिगार्डिंग मियोसिस विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताइए जो कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। अब देखिए फोर हैप्लॉइड सेल फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, हमने देखा था कि मियोसिस वन के बाद दो सेल्स बने थे और मियोसिस सेकंड के बाद चार सेल्स। इन मियोसिस देर आर टू स्टेजेस, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ये भी बात बिल्कुल सही है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड था। डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकंड, देखिए मियोसिस सेकंड का एस फेज नहीं होता, एस फेज जब भी होंगे इंटरफेज के एस फेज होंगे जो मियोसिस फर्स्ट से पहले, मियोसिस सेकंड से जस्ट पहले और मियोसिस फर्स्ट के जस्ट बाद जो होते हैं उसे इंटरकाइनेसिस, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस एंड रिकॉम्बिनेशन क्रोमोसोम ऑकर्स ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, आपने देखा था कि मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट थे उसमें क्या हुआ था कि उसमें पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग हो गई, तो आपके आंसर क्या होंगे थर्ड होंगे क्योंकि आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। देखो ये कुछ चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट, बच्चे जनरली करेक्ट को इनकरेक्ट समझ जाते हैं, नॉन करेक्ट को इनकरेक्ट कुछ और समझ जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब चलिए अब हम आते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन की बात, चलिए इसका आंसर दीजिए। आंसर दीजिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वेरी गुड, मुझे लगता है कुछ बच्चे इसका आंसर दे चुके हैं। गुड, देखो व्हेन डू द क्रोमोसोम पेयर ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, बताइए मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की पेयरिंग कहाँ पे हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट में कहाँ पे हुआ था, तो मियोसिस फर्स्ट में हुआ था प्रोफेज फर्स्ट में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ था बता दीजिए मुझे, प्रोफेज फर्स्ट में कहाँ पे हुआ था, प्रोफेज फर्स्ट में कहाँ पे हो गया था बता दो मुझे। देखो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में कहाँ पे हुआ था, जाइगोटी में, देखो टीम में, तो आपके आंसर क्या होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के राइट आंसर जाइगोटी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, चलिए इसको कीजिए आप लोग, अब देखो कि the appearance of recombination nodule on homologous chromosome during meiosis characteristics, किसके characteristics है, जैसे नाम recombination nodule यदि present होगा तो ये recombination करेगा, सीधी सी बात, और during meiosis characteristics का characteristics है कि personalization नहीं, इससे कोई मतलब synapronymal complex bivalent site at which crossing occurs, यहाँ पे होगा ये वाले आपके आंसर, ठीक है। अब इसके बाद एक फोर्थ, द रीजन फॉर डॉटर सेल्स टू डिफर फ्रॉम पेरेंटल सेल एंड ऑल्सो ईच अदर इन मियोसिस इज, इसके कारण होता है दो कारण होते हैं, एक तो क्रॉसिंग ओवर होगा और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट एजॉर्ट, इसके मुख्य रूप से जो होंगे रीजन ऑफ डॉटर डिफर फ्रॉम द पेरेंटल सेल एंड ऑल्सो ईच अदर इन द मियोसिस इज, तो ये होता है इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट ऑफ क्रॉसिंग, आपके आंसर जो होंगे वो डी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, तो हम लोग फिर क्योंकि ये चैप्टर आपके समाप्त हो गए सेल साइकिल सेल डिवीजन, हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सेल की बात डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।